नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। देखते हैं आज का दिन यानी कि 11 अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके चलने का है। आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता या शुभ संकेत आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ला सकता है। तो आज के दिन आपको सारी इन्फॉर्मेशंस अगर आपको कुछ मिल रही हैं तो उसको प्रॉपरली चैनलाइज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आपको एक बहुमूल्य राय मिल सकती है, अगर आप उसको अपने जीवन में इन्वाइव करेंगे तो देखेंगे आपके लिए पॉजिटिविटी आज के दिन इंडिकेटिव है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए अगर आप आज के दिन कुछ ना कुछ शुरुआत करते हैं तो आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव संकेत या सूचना ज़रूर मिलेगी। कुछ इंडिकेशन आज के दिन आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। वो किसी न किसी स्वरूप में, किसी राय के फॉर्म में हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी आज के दिन ज़रूर बनेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन अपने मन को शांत रखिए, पॉजिटिविटी को आप भी इम्ब्रेस करते हुए आगे चलें। लेकिन आज के दिन कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन को क्रिस्टल क्लियर करके ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको कन्फ्यूजन्स अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपके निजी जीवन में भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी। जो लोग जो बिजनेस व्यापार करते हैं और अपने निजी व्यापार के एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे थे तो आज के दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दूर रहेंगी, खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी लाभदायक साबित हो सकता है, अगर आप सारी चीज़ों को वर्क लाइफ बैलेंस के दायरे में रखते हुए चलें। साथ ही साथ आज के दिन आपका सेकंड हाफ के दौरान थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट या वो काम आपको रिकग्निशन दिलाने में सामर्थ्य रखता है। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी परीक्षा की प्रेपरेशन में लगे हुए हैं तो आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटिव है। कुछ नया काम, कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन आपके लिए बना सकता है, तो आज के दिन वो पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। साथ ही साथ आपका जो कार्य चल रहा है, मेन काम जो चल रहा है कर्क राशि वालों, साथ ही साथ आप अपने लिए कुछ और भी आज के दिन सोच सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। आपके लिए संतुलन बना हुआ है, इसी संतुलन के साथ आपको आगे चलने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी आपके लिए सभी चीज़ों में इंडिकेटिव है। आज की डेट में भी आप अपने लिए सारे एफर्ट्स को चैनलाइज करके चल रहे हैं, पॉजिटिव हैं। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा पॉजिटिव करके जा सकता है। अपने मन को आपको थोड़ा सा साधते हुए आगे चलने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आप सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको अपने अंदर थोड़ा कन्विक्शन लाना है और डिसिप्लिन अप्रोच लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। परिस्थितियां अनुकूल हैं सिंह राशि वालों, कुछ खास उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सिचुएशन चल रही है चलती रहेगी। आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। ये क्रिएशन आपको आगे लेकर जाएगा जो आपकी सिचुएशंस को और पॉजिटिव करता हुआ जाएगा। अगर आप निवेश करने के मैटर में कुछ ना कुछ सोच रहे थे, थॉट प्रोसेस को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे और चलते चलते कहीं पर अगर नेगेटिविटी आ रही थी तो अब वो सिचुएशंस आपके लिए बैलेंस आउट होगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके हुए कुछ ना कुछ नया आप एक क्रिएट कर पाएंगे। आज के दिन आपका क्रिएटिव एक्यूमन भी हायर पॉइंट पे रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के लिए या उसके साथ कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। आप अगर कुछ नया बिजनेस खोलने की सोच रहे थे, खास तौर पे अगर वो रेस्टोरेंट या कपड़े से संबंध रखता हुआ जा रहा था और आपके मेन कार्य क्षेत्र से वो कंसर्न था, तो आज के दिन आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। जिस तरह से चल रहे हैं चलते रहिए, सब तरफ से आपको अपनी सिचुएशंस में पॉजिटिव संकेत या सूचना देखने को मिलेगी। किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आपको कोई बहुमूल्य मदद भी मिल सकती है जो आपके काम को और ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। जैसी सिचुएशंस चल रही तुला राशि वालों, चलाते रहें, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करें, आपके लिए गुड लक इंडिकेटिव है। साथ ही साथ आज के दिन परिवार के साथ समय बिताइए, जो क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे वो आपको आगे आने वाले समय के लिए रेजुविनेट करके जा सकता है। लंबे समय में कुछ आप अपने परिवार के लिए प्लान कर रहे हैं, निवेश ऑप्शंस अगर सोच रहे हैं तो आज के दिन आपको एक अच्छी डील मिलने की पूरी सिचुएशन बन सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए सिचुएशंस अनुकूल हैं वृश्चिक राशि वालों, जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। कुछ खास उतार चढ़ाव ना कार्य क्षेत्र में ना
पारिवारिक स्थिति में देखने को मिलेगा। सिचुएशंस ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं, थोड़ा सा आपको उसको पुश या बल देने की ज़रूरत है। लाभदायक परिस्थिति है, अपने आप को और कंट्रोल करिए, आगे चलते चलिए, सब तरफ से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। खान पान पर थोड़ा सा आज के दिन आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, सिचुएशंस आपके लिए ठीक हैं, मन आपका शांत है, कुछ खास उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, सिचुएशंस आपके लिए सब तरफ से पॉजिटिव हैं। मन को शांत रखने की आज के दिन ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन लंबे समय से चल रहा अगर कोई कोर्ट केस है, तनाव है, तो अब वो साझा होता हुआ नजर आएगा, उसमें पॉजिटिविटी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य का आपको साथ या सानिध्य भी मिलेगा, जो आपकी परिस्थिति को और ज़्यादा मजबूत करके जा सकता है। पारिवारिक स्थिरता पर आज के दिन आप और मजबूती के साथ काम कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर नया काम करने की कोशिश कर रहे थे, किसी सिचुएशंस को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ते चलिए, पॉजिटिविटी आपके लिए इंडिकेटेड है। कुछ नया काम करने के लिए आज के दिन अगर आप जागरूक थे या कुछ प्लान बना रहे थे, अब वो एग्जीक्यूशन के दायरे में आएगा तो आपकी परिस्थिति और मजबूत होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ निवेश करने के अगर आप ऑप्शंस देख रहे थे और आपको ऑप्शंस में कोई बेस्ट डील नहीं मिल रही थी, तो आज के दिन आपको उसकी सिचुएशंस या परिस्थिति बनती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ कुछ नया करने की भी सोच सकते हैं आप। क्रिएटिव एक्यूमन आपका भी आज के दिन पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के चलते आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है, उसको आज के दिन सूझबूझ का परिचय देते हुए हैंडल करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन कुंभ राशि वालों, कुछ खास उतार चढ़ाव आज सिचुएशंस में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलाइए, आज के दिन अपनी मजबूती के साथ आप खड़े रहिए, आपका मानसिक बल बिल्कुल ठीक है, आज के दिन कॉन्फिडेंस भी आपका अप है, आत्मबल में भी वृद्धि रहेगी। आज के दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा सजग और सचेत रहेंगे। आज के दिन आपको ऊपरी बॉसेस से या आपके सुपीरियर से आज के दिन आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका आत्मबल भी बढ़ाने में वो सहायक रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है, आगे बढ़ते चलिए, आपके लिए शुभता इंडिकेटिव है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। जैसी सिचुएशंस मीन राशि वालों चल रही है वैसी चलाइए, कुछ खास आज के दिन उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यता परिस्थिति चल रही है, बिल्कुल ठीक है। आज के दिन किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आपको एक बहुमूल्य राय मिल सकती है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, सुनते ही उसको मत नकारिए, उसमें से पॉजिटिविटी को अपने लिए निकालिए। बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, साइड बाय साइड अगर आप कुछ नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ नया अपने जीवन में लाने की सोच रहे हैं, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, कुछ नया इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्यूमन भी अगर आप करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको बस एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। परिवार के साथ सेकंड हाफ के दौरान बिताया गया समय आपको और ज़्यादा रेजुविनेट करके जा सकता है। इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।